गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आर सी आई एच केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों, इन लास्ट वीडियो हम बात कर रहे थे नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन चैप्टर की पार्ट ए की बात कर रहे हैं बच्चों। और पार्ट ए में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन पढ़ लिया है बच्चों, और यहाँ पर हम नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड के बारे में स्टडी कर चुके हैं बच्चों। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। किसकी बात करेंगे? प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो होगा प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स। ये हेलो एल्केन को हम किस किस मेथड से बना सकते हैं? ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिक होगी, उस ट्रिक को आपको याद करना है, याद भी नहीं करना, ये मान के चलना, बस एक बार समझना है कौन कौन सी रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं जिसके थ्रू हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं, हेलो एल्केन को फॉर्मेशन कर सकते हैं बच्चों। तो ट्रिक होगी हमारे पास में, फलक कहती है मैं शराबी हूँ, स्वाति भी शायद ऐसे सोचती है या सोच के आई है बच्चों। तो देखते हैं इसकी जो ट्रिक होगी हमारे पास में, वो ट्रिक क्या है बच्चों। फलक कहती है मैं शराबी हूँ। फलक क्या कहती है बच्चों? फलक कहती है मैं शराबी हूँ, स्वाति भी शायद ऐसे सोच के आई है। क्या होता है बच्चों? ऐसे सोच के आई है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसकी ट्रिक क्या होगी? फलक कहती है मैं शराबी हूँ, स्वाति भी शायद ऐसे सोच के आई है। अब बच्चों, फलक का मतलब कौन सी रिएक्शन हो जाएगी आपके पास में? फिन क्लस्टरिंग रिएक्शन हो जाएगी बच्चों। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? फिन क्लस्टरिंग रिएक्शन हो जाएगी। ये आपके पास बच्चों रिएक्शन हो जाएगी फिन क्लस्टरिंग रिएक्शन। कहती है यहाँ पर साइलेंट होगा, देखो फलक कहती है मैं का मतलब हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हाइड्रोकार्बन मतलब आपके पास में हो जाएगा एल्केन, मैथेन। क्या हो जाएगा? मैथेन हम बोलेंगे यहाँ पर एल्केन। ठीक है बच्चों, शराबी मतलब बच्चों बताओ, शराब जो होती है, एल्कोहल जो होती है, एल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? OH। कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? OH बच्चों। कौन सा ग्रुप पाया जाएगा? OH फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा आपके पास में। ठीक है, HU हूं का मतलब होगा बच्चों रिएक्शन हुंस्टीगर रिएक्शन बच्चों। कौन सी हो जाएगी? हुंस्टीगर रिएक्शन बच्चों। उसके बाद में स्वाति भी का मतलब हो जाएगा स्वार्ट्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों? स्वार्ट्स। शायद जो होगा बच्चों यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा, और ऐसे का मतलब हो जाएगा एल्कीन। क्या हो जाएगा? एल्कीन सोच के आई है का मतलब हो जाएगा एल्काइन बच्चों। क्या हो जाएगा? एल्काइन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये रिएक्शन जो होंगी, ये जो आपके पास में नेम रिएक्शन हैं, कुछ रिएक्शन दी गई हैं, सारे के सारे जो रिएक्शन होंगे, जो जितने मेथड होंगे, ये हेलो एल्केन के फॉर्मेशन के मेथड है बच्चों, हेलो एल्केन के प्रिपरेशन के मेथड है। हम एक एक की बात करेंगे। उससे पहले ये देखो, यहाँ पर आपके पास में शराबी का मतलब कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है? OH। अब हम क्या बोलेंगे? देखो फलक क्या कह रही है, फलक कहती है मैं शराबी हूँ, स्वाति भी शायद यही सोचती होगी। अब हम अपनी सफाई देते हैं, जब हमारे पास में घर पर कोई गलती होती है तो हम लोग बोलते हैं कि मुझे कोई शौक नहीं है ऐसा कुछ करने का, या मेरे को ये नहीं है, या फिर हम क्या बोलते हैं कि सर मेरे को टेंशन हो गई थी, मैंने ये किया। और अक्सर लोग क्या होते हैं, जब टेंशन होती है तो कई बार लोग बोलते हैं कि एल्कोहल का सेवन कर लिया था मैंने। तो मैंने कहा कि फलक कहती है मैं शराबी हूँ, स्वाति भी शायद ऐसे सोच के आई है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को।
क्या जवाब दिया बच्चों मैंने उनको, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम बुलाने को। तो लिख दो इसकी ट्रिक, मुझे पीने का, तो पीने का मतलब हो जाएगा बच्चों PCL5, पीने का मतलब क्या हो जाएगा PCL5, शौक SOCK, मुझे पीने का शौक बच्चों SOCK मतलब हो जाएगा SOCL2 थायोनिल क्लोराइड, क्या हो जाएगा थायोनिल क्लोराइड। मुझे पीने का शौक नहीं है, शौक नहीं है, है का मतलब हो जाएगा बच्चों HCl, क्या हो जाएगा HCl, पीता हूं गम बुलाने को, पीता हूं गम बुलाने को। तो बच्चों पीता हूं से मतलब हो जाएगा PCl3, क्या हो जाएगा PCl3। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में जो रिएक्शन जो होंगी, हेलो एल्किन के प्रिपरेशन के मेथड जो होंगे उसकी ट्रिक क्या होगी, फलक कहती है मैं शराबी हूँ, स्वाति भी शायद ऐसे सोच के आई है, फलक का मतलब हो जाएगा फिनक्लेस्टीन रिएक्शन बच्चों, कहती है यहाँ पर साइलेंट होगा, मैं का मतलब हो जाएगा एल्केन, शराबी का मतलब एल्कोल, एल्कोल का मतलब क्या हो जाएगा मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। उसके बाद में हुंचडी का रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन बच्चों एल्किन और क्या जाएगा एल्केन। अब एक एक की बात करते हैं बच्चों प्रिपरेशन मेथड की, ठीक है ना। फर्स्ट जो हमारे पास में जो यहाँ पर दी हुई रिएक्शन वो हम बात करेंगे फिनक्लेस्टीन रिएक्शन के बच्चों, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चों, या फिर यहां से स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहां से समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन आ रही है, सबसे पहले इसको मिटा रहा हूं बच्चों, फिनक्लेस्टीन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है फिनक्लेस्टीन रिएक्शन। तो बच्चों यहां पर इसकी प्रिपरेशन के जो मेथड होंगे उसमें हम सबसे पहला मेथड पढ़ रहे हैं बाई एक्सचेंज ऑफ हैलाइड, या फिर बोले बाई हैलाइड एक्सचेंज। फर्स्ट मेथड कौन सा आ रहा है बाई हैलाइड एक्सचेंज, इट मींस आपके पास में यहां पर जो होगा हैलाइड जो होंगे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन वो चेंज होंगे बच्चों। जैसे यहां पर आपका जो एग्जांपल्स, यहां पर जो रिएक्शन होगी, एक रिएक्शन होगी ए, एक रिएक्शन होगी बी, ए रिएक्शन जो होगी वो होगी फिनक्लेस्टीन रिएक्शन, फिनक्लेस्टीन रिएक्शन बच्चों, और दूसरी रिएक्शन जो आपके पास होगी होगी स्वार्ट्स रिएक्शन, कौन सी होगी स्वार्ट रिएक्शन। अब बच्चों फिनक्लेस्टीन रिएक्शन क्या होती है आपके पास में, जब एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन या फिर मैं बोलूं एल्किल हैलाइड की रिएक्शन RCl की रिएक्शन है सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। देखिए बच्चों हमने क्या बोला, एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन जब सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन में कराई जाती है तो हमारे पास में हेलो एल्केन बनती है, और बच्चों हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है RX, और X का मतलब क्या होगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन व आयोडीन। अब बच्चों देखते हैं, मैंने बोला था हेलो एल्केन में जो कार्बन होता है कार्बन पर चार्ज कैसा आता है पार्शियली पॉजिटिव, इस पर चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, अरे पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के साथ, सेम सेम के बीच में क्या होगा बच्चों रिपल्सन होगा, और अपोजिट जो चार्ज होंगे उनके बीच में क्या होगा अट्रैक्शन होगा, तो पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के साथ, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के साथ में, निकाल दो उनको बाहर, यहां से कौन चला जाएगा आर आई, तो क्या बनेगा बच्चों यहां से आर आई प्लस एन ए सी एल। बताओ बच्चों आपके पास क्या बना आर आई, और हमें बनाना क्या था आर एक्स बनाना था, और एक्स का मतलब क्या होगा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन व आयोडीन। तो बच्चों ये तो क्या हो जाएगा एल्किल क्लोराइड, ये क्या हो जाएगा पास में सोडियम आयोडाइड, ठीक है, और इसका नाम क्या हो जाएगा एल्किल आयोडाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड बच्चों, क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। बाई
एक्सचेंज हैलाइड मेथड बोल रहा हूँ। अब हैलाइड एक्सचेंज हो रहे नहीं हो रहे बच्चों, बताओ यहाँ पर कौन था? Cl था, और यहाँ पर कौन था? I। Cl किसके कौन आ गया? I आ गया, और I किसके कौन आ गया? Cl। इधर देखो R के साथ में कौन आ जाएगा? I आ जाएगा। Na के साथ में कौन था? I। कौन आ जाएगा? Cl। क्या हैलोजन चेंज हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे? बाई हैलाइड एक्सचेंज मेथड। ये तो रिएक्शन हो जाएगी फर्स्ट फिनक्लस्टीन रिएक्शन। और इसको याद करने का तरीका है बच्चों फिंकलनाई। किससे याद करोगे? इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? इसकी ट्रिक हो जाएगी फिंकलनाई, फिंकल एन ए आई। इट मींस कि फिनक्लस्टीन रिएक्शन जो होगी वो सोडियम आयोडाइड के साथ में होगी। अब यहां पर जो स्वार्ट रिएक्शन है बच्चों सेम ही है कि हम यहां पर आर सी एल की रिएक्शन, एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन जो होगी ए जी एफ सिल्वर फ्लोराइड यह मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ में करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइनिल ग्लाइकोल। इथाइनिल ग्लाइकोल बच्चों यहां पर जो आपके पास में होगा कि RCl की रिएक्शन, यहां भी क्या था बच्चों? RCl था, लेकिन यहां पर कौन आ रहा था? सोडियम आयोडाइड, और यहां पर कौन आ रहा है? AgF या Hg2F2, और यहाँ पर किस कौन था? एसीटोन। यहाँ पर कौन आया? इथाइनिल ग्लाइकोल बच्चों। देखो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, प्लस जाएगा माइनस के साथ और माइनस जाएगा प्लस के साथ, क्या बनेगा? आर एल प्लस ए जी सी एल। क्या बनेगा यहाँ पर? है एल्काइल फ्लोराइड, साथ में क्या बनेगा? ए जी सी एल सिल्वर क्लोराइड बच्चो, क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड। बच्चों याद करने का तरीका, क्योंकि आपके पास में RCl दिया हुआ है, RCl दिया हुआ है, अब RCl की रिएक्शन अगर NaI के साथ में करवाओगे सोडियम आयोडाइड के साथ में, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? फिनक्लस्टीन रिएक्शन। और अगर AgF के साथ में करवाओगे तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? स्वार्ट्स रिएक्शन हो जाएगी। बच्चों दोनों सेम है, याद करने का तरीका है फिनकलनाई कि फिनक्लस्टीन रिएक्शन में किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? सोडियम आयोडाइड के साथ में। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। अगली रिएक्शन जो है सेकंड जो रिएक्शन है बच्चों यहां पर दी गई हमारे पास में रिएक्शन विद एल्कोहल। हम रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं? एल्कोहल के साथ में करवा रहे हैं। तो यहां पर हम सेकंड जो बोलेंगे रिएक्शन विद एल्कोहल, या फिर हम बोले फ्रॉम एल्कोहल, सर फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल के द्वारा। अब बच्चों बताओ, अभी अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी एल्कोहल में, क्या बोला था? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम बुलाने को। बच्चों ट्रिक क्या लिखी थी एल्कोहल में इस प्रकार से, यहां पर बोला था मुझे पीने का PCl5 शौक नहीं, SOCK शौक, SOCl2 ये होता है बच्चों थायमिन क्लोराइड, शौक नहीं है, है कौन तो क्या हो जाएगा? HCl, पीता हूं गम भुलाने को, पीता हूं गम भुलाने को, तो ये हो जाएगा बच्चों PCl3। मतलब इट मींस कि एल्कोहल की जो रिएक्शन होंगी वो किस किस के साथ में होगी? PCl5 के साथ में बच्चों, SOCl2 के साथ में, HCl के साथ में, और PCl3 के साथ में बच्चों। ठीक है, अब इनकी रिएक्शंस करवाते हैं हम यहाँ पर। फर्स्ट रिएक्शन जो दी हुई है कि एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं? PCl5, ये तो बच्चों हो जाएगा आपके पास में एल्कोहल, और इसको बोलेंगे पेंटाक्लोराइड, इसको बोलेंगे हमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बच्चों, ये तो फास्फोरस हो गया पी का मतलब, और यहाँ पर क्लोराइड कितने आपके पास में? क्लोरीन कितने? पांच, तो बोलेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवानी है बच्चों, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास क्या बना? बिना देखे बनाना है हमें एल्किल हैलाइड बनाना है। एल्किल हैलाइड मतलब देखो बच्चों यहाँ पर Cl दिया है, हमें क्या बन जाएगा? RCl प्लस क्या बनेगा? तो बच्चों इस रिएक्शन को याद करने की ट्रिक जो होगी वो क्या होगी? यहाँ देखना ये R, ये O, और ये कौन आ गया? H। ये R, ये O, ये कौन आ गया? H। इसकी रिएक्शन किस साथ करा रहे हो? PCl5। तो देखो बच्चों ये P, ये Cl, ये Cl, और बच गए तीन Cl का लगा दोगे यहाँ पर। ठीक है,
लेफ्ट को तोड़ेंगे लेफ्ट के साथ में, राइट को तोड़ेंगे राइट के साथ में। तो ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गई राइट साइड, बीच वाला बीच में। तो बच्चों इसको जोड़ दो, क्या बनेगा देखो, RCL, क्या बन गया RCL, फिर क्या बनेगा POCl3 और साथ में क्या बनेगा HCl, तो यहां पर बन जाएगा POCl3HCl। वापस देखते हैं बच्चों, ROH की रिएक्शन PCl5 के साथ में करवा रहे हैं, ROH की रिएक्शन जैसे PCl5 के साथ में करवाए तो ये टूटेगा ऐसे, RCl POCl3 और HCl बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास यहां पर दी गई है वो दी गई है ROH की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन दी गई है, सेकेंडरी रिएक्शन जो है ROH की रिएक्शन SOCl2 के साथ में, और यहां पर आएगी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। कौन आएगा बच्चा, पिरिडीन आएगा बच्चों। देखो ये तो हो गया एल्कोहल, और SOCl2 को हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं बच्चों, थायोनिल क्लोराइड, और इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा बच्चों, नेम रिएक्शन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, डार्जन रिएक्शन। कौन सी हो जाएगी, डार्जन रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम होगा डार्जन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है बच्चों। सर यहां पर क्या बनेगा, तो बच्चों हमें सबसे पहले बनाना है एल्किल हैलाइड, अब यहां पर कौन दिया हुआ है क्लोरीन, तो क्या बनेगा RCl, अब इसके साथ में वो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों, तो आ जाइए इधर ट्रिक देखिए, ये R, ये O, ये H, और रिएक्शन के साथ करवा रहे हैं S, फिर यहां पर कौन आएगा डबल बॉन्ड O, इधर कौन आएगा Cl, और इधर कौन आएगा बच्चों Cl, इसको तोड़ेंगे एक साथ, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, बीच वाला बीच में, बच्चों बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCl प्लस में SO2 प्लस में HCl, क्या बना RCl SO2 प्लस में HCl, एल्किल क्लोराइड सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड बच्चों, ये बन जाएगा प्रोडक्ट बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों दी गई हमारे पास में HCl रिएक्शन एल्कोहल के साथ में, हम करवा रहे हैं ROH की रिएक्शन HCl के साथ में, और यहां पर क्या आएगा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाएंगे बच्चों, कुछ भी नहीं होगा, अरे यहां से पानी निकाल दो, क्या निकाल दोगे पानी, पानी का मतलब क्या होगा, ये तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस एक साथ बच्चों, H2O यहां से बाहर निकल जाएगा, मतलब कि यहां पर क्या निकल गया, पानी का वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल गया, क्या बनेगा RCl प्लस में H2O, इसका पानी निकालना है बस आपको, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लो यही रिएक्शन आपके पास में ROH की रिएक्शन HI के साथ में दे दे, या फिर किस साथ में HBr के साथ में, और एरो पे लिखा जाए कंसंट्रेट H2SO4, बच्चों कंसंट्रेट H2SO4 या फिर कंसंट्रेट HNO3 जहां भी दिख जाए आपको, समझ जाना वाटर का एक मॉलिक्यूल निकालेगा, एक बार पानी निकालेगा, तो बताओ यहां से पानी का मॉलिक्यूल निकाल दो H2O, क्या निकल जाएगा H2O, क्या बनेगा RI या फिर क्या बनेगा RBr, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास में दी गई है कि ROH की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन दी गई बच्चों ROH की रिएक्शन PCl3 के साथ, किसके साथ में करेंगे PCl3 के साथ में, तो बच्चों यहां पर जो एल्कोहल की जो मॉलिक्यूल होंगे यहां पर तीन आएंगे, तीन मोल आएंगे, कितने मोल आएंगे तीन, तो 3ROH रिएक्शन करेगा PCl3 के साथ में, तो यहां पर बनेगा क्या आपके पास में, इधर देखते हैं ROH को तीन बार देखो बच्चों, ट्रिक सेम रहेगी अपनी, इधर देखते हैं ROH कैसे लिखोगे ROH, या फिर एक काम करते हैं ऐसे लिख लेते हैं ROH, इधर कौन आएगा PCl CL और CL बच्चों, तो यहां से क्या निकल जाएगा, ये वाला पार्ट चला जाएगा एक साथ, देखो ये वाला पार्ट, तो यहां पर R और क्या बच गया CL, तो कितने RCl बन जाएंगे तीन, क्या लिखोगे 3RCl प्लस में क्या बनेगा H3PO3 बच्चों, ठीक है RCl प्लस में H3PO3 बन जाएगा बच्चों। अब बात ये करते हैं आपके पास में, ये दो मेथड हो गए बच्चों आपके पास में, कि सर हमारे पास में अगर हम ROH की रिएक्शन क्या बोल रहे हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि ROH की रिएक्शन आप PCl5 के साथ में करवा रहे हैं,
और ROH की रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हैं, SOCl2 के साथ में करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो यहां पर बनेगा RCl प्लस में POCl3 प्लस में HCl, यहां पर बनेगा RCl प्लस में SO2 प्लस में HCl। ये बोलेगा बताओ इन दोनों में से बेस्ट मेथड कौन सा है हेलो एल्केन बनाने के लिए, इन दोनों में से बेस्ट मेथड कौन सा है हेलो एल्केन बनाने के लिए। तो बच्चों इधर देखो, यहां पर जो HCl है और यहां पर क्या दिया हुआ है HCl और SO2, ये दोनों के दोनों गैस हैं और इन दोनों को कौन एडजॉर्ब कर लेगा, कौन एब्जॉर्ब करेगा, यहां पर इन दोनों को एब्जॉर्ब करेगा पिरिडीन, कौन एब्जॉर्ब करेगा पिरिडीन बच्चों, ये इसको क्या कर लेगा एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे इसको एब्जॉर्ब करेगा तो ये रिएक्शन जो होगी आपके पास में बेस्ट मेथड होगा, लेकिन यहां पर HCl को ये एब्जॉर्ब नहीं करता बच्चों, तो ये बेस्ट मेथड आपके पास में बोले ये बेस्ट मेथड है इन कंपैरिजन दिस मेथड। ठीक है बच्चों, बाकी बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।